एक नज़र में बलिया का जिला अस्पताल। दिन बुधवार, समय करीब 11 और 12 के बीच का। हम इस वक्त ओपीडी के पास हैं, जहां डॉक्टरों का एक चैम्बर है। उस चैम्बर के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है। डॉक्टर चैम्बर के अंदर मरीज को देख रहे हैं और जो ओपीडी चलने का समय है, उस बरामदे में आप देख सकते हैं कि मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। जब उस बरामदे के पास पहुंचा गया तो देखा गया कि छत के ऊपर पंखे वगैरह नहीं थे। इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, जब घर से परिवार, बच्चे अस्पताल में आ रहे हैं, तो एक तरफ नीले गगन के तले होकर जिला अस्पताल के उस बरामदे में पहुंच रहे हैं, जहां थोड़ा सा गर्मी से राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पंखे वगैरह नहीं लगे हैं। देखा जा रहा है कि बरामदे में पंखे न होने के कारण मरीज काफ़ी परेशान है। मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पेयजल पे बात करें तो एक आरओ सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, दूसरा आरओ सिस्टम खराब है। डेली 2 से 3 हज़ार की संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। कम से कम शुद्ध पेयजल, ठंडा पानी, पंखे वगैरह, साफ़ सफाई बेहतर होनी चाहिए। साफ सफाई तो दिख रहा है, लेकिन बैठने की व्यवस्था उत्तम नहीं है, और न ही पंखे नहीं, और न पंखे की व्यवस्था है, और न ही आर ओ सिस्टम चल रहा है। आइए, आप आए यहाँ पे दिखवाने। क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश राम है। क्या हुआ? हम लोग आए थे जांच दिखाने के लिए, जहाँ ब्लड जांच होता है, पर्ची, वहाँ एक भी पंखा नहीं है। काफ़ी मरीज परेशान है। आप शिकायत उगत हुआ है कि नहीं? नहीं, शिकायत तो नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। मरीजों का परिजनों का कहना है कि पंखे वगैरह की शिकायत लेकर जब हम लोग डॉक्टर या फिर जिम्मेदार लोगों से कहते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि लग जाएगा। लगेगा कब, कैसे होगा? आखिर सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, व्यवस्थाओं पे खर्च हो रहे हैं, तो कम से कम मरीजों को भी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ख़ासतौर पर उनको इस भीषण गर्मी में पंखे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और शुद्ध पेयजल, जो कम से कम 3-4 आरओ का यहाँ सिस्टम होना चाहिए। चंपा कल व्यवस्था नल वगैरह होना चाहिए। 2 महीने पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन 2 महीने पहले भी बहुत परिवर्तन नहीं है, व्यवस्थाएं उसी तरह से। सीएमएस साहब का ये कहना है कि हॉस्पिटल ओवरलोड चल रहा है, यहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर होनी चाहिए है, लेकिन संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसको चलते जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ दोनों लोग परेशान हैं। आखिर ये संख्या कैसे रुकेगी? आखिर ये संख्या जब बढ़ रहा है, तो इस संख्या को कंट्रोल करने के लिए, संख्या जो मरीज हैं उनके बेहतर उपचार के लिए, बेहतर इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये भी एक सोचनीय विषय है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेता ही जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।